नमस्कार दोस्तों, आज है 2 जनवरी 2022 और आज के काम की खबरों के साथ मैं निशा आप सबका स्वागत करती हूँ लोकल टीवी पर। आइए जल्दी से देखते हैं काम की खबरें। जैसे जैसे UPTET परीक्षा की तिथि नजदीक आ रही है, अभ्यर्थियों की धड़कनें तेज हो रही है, कहीं उनकी मेहनत फिर बर्बाद ना हो जाए। दरअसल देश भर में ओमिक्रॉन के तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, लोगों के नाक में दम आ गया है। अब तक 1413 मामले आ चुके हैं, वहीं कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूलों में बतौर अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले लगभग 21 लाख उम्मीदवारों को चिंता सताने लगी है। लगातार बढ़ रहे मामले के चलते कहीं परीक्षा फिर टाल ना दी जाए। हालांकि परीक्षा के संबंध में बोर्ड की तरफ से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, इसलिए इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे UPBEB की आधिकारिक वेबसाइट पर सटीक जानकारी के लिए विजिट करते रहें। दूसरी खबर, इस बार शीतलहर, बारिश और ना जाने क्या क्या चीज मिलकर ठंड बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन बीते 24 घंटे में राजधानी समेत राज्य भर में मौसम शुष्क बना रहा। वहीं रात के तापमान में हल्की गिरावट भी देखी गई। पटना मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जबकि राज्य का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री के बीच बना हुआ है। वहीं दिल्ली में टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस है, कोलकाता में 19 डिग्री सेल्सियस है। तीसरी खबर है, कल नव वर्ष के अवसर पर 15 से 18 साल के बच्चों को मानो वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन गिफ्ट में मिल चुकी हो। बच्चे अपना वैक्सीनेशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन देने की छूट दे दी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो आने से ही आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। थैंक यू।